meer weten naar mij. Apkapatpat, zo gaat hij meer aan mij, hè? आज भी मैं JLPT exam N5 की कांजी सिखाने वाली हूँ, ठीक है? N5 कांजी total 11 lessons है, 11 videos मैं बनाने वाली हूँ, एक video में 10 कांजी ही मैं सिखा रही हूँ, और इस बार ये lesson 10, lesson 10 है, तो और दो videos बाकी, इसी video और अगले video, और N5 कांजी खत्म, चलो never give up, बस दो videos ही बाकी है, ठीक है? さあ、始めましょう。ペヘリー漢字。まず、speak。訓読み面。あ、な、オルスバードメナガテヘ、オル。話し話す家クリアへ or 家ナウンへ。ठीक है家कहानी家बात करना और音読み面は。ठीक है उदाहरण 話す話す to speak talk 話し話し story 電話電話 telephone 会話会話 conversation。ठीक है話す話し電話会話 NEXT 文訓読みよ む音読み読うだはら読む読む to read 読書読書 reading books 読書かもつらぶ पढ़ना 書かもつらぶ लिखना जो लिखा हुआ इसको पढ़ने को हम कहते हैं 読書 ठीक है और आप अगर होशियार है तो आपको लगा होगा कि अरे ये जो पहला kanji है ना जो मैंने अभी अभी सिखाया है ये वाला हाँ इसको कहते हैं हाना से ऐसे कहते हैं इसका मतलब बात करना और ये पढ़ना ये इसी पद है ना ये सेम होता है हाँ आपको लगा होगा आप तो होशियार होंगे ना हाँ तो सही है ये दोनों सेम है वुशु बोलते हैं जापानी कांजी में ऐसी होती है कि कांजी के एक भाग ये बुश होता है और बुश के अंदर में मतलब भी होती है जैसे कि ये इसको बस लिखेंगे तो ऐसा हाँ ये भी एक कांजी है इसको यू या गेन या गो ऐसे पढ़ते हैं मैंने ऑलरेडी सिखाया होगा और इसका मतलब बोलना हाँ किसी को बताना ये एक इंडिपेंडेंट कांजी है और इसको बुशु के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ये योम या हनास ये दोनों बोलना से संबंधित कांजी है ना तो ये हनास की कांजी है ना ये लेफ्ट साइड इसका मतलब बोलना और राइट साइड इसका मतलब आक्षरिक टंग है जीव हाँ तो जीव इस्तेमाल करके बोलना तो बोलना ही है और ये कांजी देखेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि लेफ्ट साइड बोलना और राइट साइड इसका मतलब बेचना और ये टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि इसी कांजी शुरू शुरू में ऐसा मतलब था कि जो भी चीजें गुड्स बेचा जाता है वैसे ही ये बोला जाता है तो इसका मतलब पढ़ना देखिए ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान है अगर आप ये कांजी जानते हैं और ये कांजी भी जाते हैं ऐसे दिमाग के अंदर में एक एक भाग के मतलब समझ सकते हैं तो शायद ज्यादा आसान होगा लेकिन जरूरत नहीं है इसके पीछे की कहानी हमेशा ठीक से याद करें क्योंकि कभी कभी ये पीछे की कहानी भी थोड़ी समझना मुश्किल होती है ठीक है और अगली कांजी भी ये विषु की कांजी है ठीक है नेक्स्ट
ये विश्व है ना, इसका मतलब बोलना, और ये जानते होंगे पांच की कांजे है, वास्तव में ये भी मुंफ की कांजे है। तो हाँ, ऐसी तीन भाग से ये कांजी बनती है, बोलना, पांच और मुंफ, और इसी कांजी का मतलब वर्ड। कुयोमिन हा ता गु, ओयोमिन गो। उदाहरण,日本語 Japanese language、 中国語 中国語 Chinese language、 外国語 外国語 Foreign language。 हाँ, अगर क्रिया में इस्तेमाल किया जाता तो इसको कतार ऐसे पढ़ते हैं, और इसका मतलब कहानी को किसी से सुनाना, कतार। और गो ये शब्द का मतलब भी हो सकता है, यानी वर्ड। और अगर इस कांजी को किसी देश के बाद में लगाएंगे तो इसका मतलब लैंग्वेज, जैसे कि निहोंगो जापानीज लैंग्वेज, चुगोकुगो चाइनीज लैंग्वेज, और हम हिंदी को भी कहते हैं हिंदी को। हाँ, इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज, ऐसा भाषा का मतलब भी बन जाता है। ठीक है, तो ये भी गोम्बेन कहते हैं इसी बुश को। हाँ, इसका कांजी है। ठीक है, नेक्स्ट। बिटवीन उदाहरण, आइडा आइडा बिटवीन, 時間 時間 टाइम, 1年間 for a year, money out to be in time। ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली बुश है, ये वाला है ना, इसका मतलब द्वार है। ठीक है, ये कांजी द्वार के बीच से सूरज निकलता है, क्योंकि ये कांजी सूरज है ना, तब इसका मतलब बिटवीन। लेकिन ये भी ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये कहानी इतनी कन्विंसिंग नहीं होती है। ठीक है, माफ कीजिए, ये कांजी लिखना भूल गई। ये कांजी का मतलब लिसन, सुनना, कुयोमी में किकु या किकोएरु, किकु यानी सुनना, किकोएरु यानी सुनाई देना, और ओयोमी में बुन। उदाहरण, किकु to listen to, किकोएरु can be heard, सुनाई देना ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। शिंबुन newspaper, शिंबुन का शिं का मतलब न्यू, नया। ठीक है, नेक्स्ट। मतलब बाय, खरीदना, कुयोमी में का उ, ओयोमी में बाय। उदाहरण, काउ टू बाय, खरीदना, काई मोनो सुरु टू शॉप, टू डू शॉपिंग, बाय सुरु टू बाय एंड सेल, बेचना और खरीदना। ठीक है, तो एक्चुअली ये कांजी ऊपर वाला इसका मतलब नेट है, और ये वाला शेल मतलब पुराने जमाने पर शेल पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो पैसे यानी शेल इस्तेमाल करके नेट खरीदना, यहां से ये कांजी आती है। ठीक है, मतलब रेस्ट करना,休む。休む。rest。
休み休み holiday 休日休日 holiday 夏休み夏休み summer vacation 次げと休むイエクリアへ to rest 休みイエチュッチ holiday へ or 休日日 holiday チュッチへとマトラブめジアダアンタルナヒヘデキン休みかベーシックマトラブレストカルナオル休日レストカルネカデネトトラアラグヘデキンセームコンテクストセームマトラブメンビーイスマルキアジャータヘティゲ Time. Yeah. When? 4時 4時 4 o'clock 1時間 1時間 1 hour 時計 Clock Watch 休憩 Next 맞럽 Week いすめくんよみなひんへんおよみめんしゅうだはらん一週間 one week 来週 next week 先週 last week 今週 this week ちげ来週か来いえ next かまつらぶへ先週か先ですかまつらぶとらむしきるへきょんきじゃぶはんぼうてへん先週たぶん先かまつらぶピチュレハフテーコ先週ぼうてへんできんじゃぶあいせおわはんあげをへあいせぼうねけりそこの先のあいせびぼうさくてへんといいビルクルコンテクストけアンサールバダルタへとあっちゃへ先かまつらぶコンテクストけアンサールおるしゃぶるけアンダルメンやるかれてけおる今週かこんかまつらぶあびなうてけちゃろラスト感じへ Matlab Street Road Kuyumi mem Michi Oyumi mem Dou Udaharan Michi Street Road Way Shadow Roadway Shaka matlab Gari hai Car Gari ke liye Rasta Shadow水道 water works パニーけりえラスト水道へてけじゃせきなるかパニーこはんけてへん水道なるけパニーかパニーはぁ書道 calligraphy 書かまつらリクネわらまつらラスト spirit じゃさまつらへイスコ書道けてへん。おるフィラーがあっほしゃるへんと、ノーディスキアほうが、ひ、やわら。はい。やわら、ピチュレイ感じ、メンピー、スマルキアちゃったへんない。ピチュレイ感じキアた、言えた。ウィーク。あれ、トラガンダほうがや。はい。と、家、おる家、駅へん。いし、ブシュコーハンボールてへん。新尿。イスバグかナムやにイスブシュかナム新尿へおるイスブシュかマツラブラスターやジャナとイエラスターヒへはんとイエキャへイエハフタへキョンジャナイエブシュイスティマルキアジャータへイス漢字かマツラブアクチュアリーはイエヘアライスフィールドイエバラライスフィールドへイスコYahan se pura ghumne chakkar lagar ke ghumne ke liye yani jaane ke liye ek hafta lagta hai pata nahi kiska field hai khet hai lekin iske bare mein sawal mat uthaiye kyunki kisko pata hai aisi baat lekin aisa ek khet ko
एक चक्कर लगा के जाने के लिए एक हफ्ता लगता है इसलिए ये कांजी इसी विषय है ना ये रास्ता और जाना और ये है खेत ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है हाँ तो आज के लिए इतना ही आपको कैसा लगा 10 कांजी आप समझ गए और विषय के बारे में मैंने आज बताया है इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया आया होगा एक्चुअली जापान में विषय बहुत ही विषय है ठीक है ये यहाँ से लेकर ये सब विषय है तो सब एक एक करके याद करना मुश्किल होगा और ये आखिल वाला ये मुश्किल वाला तो जापानीज को भी नहीं आता तो आसान वाला आप याद कर सकते हैं और जैसे कि ये वाला आज मैंने सिखाया है ये वाला है तो इसको मैं क्लिक करूँ ऐसे हाँ तो ये शिन्यो बुश इस्तेमाल किए हुए कांजीज के लिस्ट भी है ऐसा देखने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जब भी बुश आता है कांजी याद करते हैं तब कभी कभी सोच सकते हैं कि अरे यार ये इससे मिलते जुलते हैं शायद बुश होगा तो इसी बुश के बारे में थोड़ा गूगल कीजिए तो समझ में आएगा कि ये कौन सा बुश है और उसके अलावा कौन सी कांजीज है तो कभी कभी गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं लेकिन हर बार विश के साथ साथ याद करने की जरूरत भी नहीं है ये आपके ऊपर है कैसे कांजी याद करें ठीक है तो आज के लिए सच में इतना ही हाँ जितना खोले दे और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मुझ को ना होगा मुझे ना ये ना तो मतलब ये ने तो चैनल तोरुक यो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतशन दोगा मिते करते अरिगातो गोजाइमाशिता और PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है हाँ PDF फ्री में मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर चाहिए तो डाउनलोड कीजिए 下にね無料の PDF 教材を用意しているのでもし欲しい人はゲットしてダウンロードしてくださいバスバイバイフィルムレンゲまたねバイバイ